हरी बोलो, हरी हरी बोलो, हरी हरी बोलो जी। कैसे हैं आप सभी मेरे लड्डू लाडो कन्हैया केशव, मेरे बिहारी लाला, मेरे गोपू लाला की असीम असीम कृपा से आप सब बहुत अच्छे होंगे जी। जी तो आपके साथ में शेयर करने जा रही हूँ। वैसे मैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं ला पाई इस्कॉन से लखनऊ, जो मैंने अभी आपके साथ में दर्शनों को लाला के शेयर किया है, लेकिन क्योंकि मंदिर बंद हो गया था, 9 बजे मंदिर क्लोज होने की टाइमिंग है और हम लोग शयन आरती में ही गए थे, तो थोड़ा लेट हो गया था ऑलमोस्ट, तो मैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं ले पाई। तो मैंने क्या क्या लिया है आपको दिखा देती हूँ। सबसे पहले तो देख लीजिए, ये मैं मेरे बिहारी लाला के लिए कॉटन की पोशाक लेकर आई हूँ और ये कुछ इस तरीके की है, बहुत सुंदर पोशाक है। और ये साइज़ जो है, ये साइज़ थोड़ा बड़ा हो गया, बट ये मुझे अच्छा बहुत लग रहा था तो मैंने ले लिया। लाला का जो साइज़ है मेरे वो ये हैं। तो ये दो पोशाक लेकर के आई हूँ। और मैं ये देखिए, नरसिंह मेरे प्रभु की ये इस तरीके का छोटा सा चित्रपट है जो कि मैग्नेटिक है, इसको आप कहीं पे भी लगा सकते हो, लेकिन ये तो बस मेरे लाला के, मेरे नारायण, मेरे प्रभु के पास में ही यहाँ पे मैंने अभी फिलहाल रख दिया है। और मैं क्या लेकर आई हूँ, और कुछ बहुत 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 स्पेशल है, कुछ नए लोग आ गए हैं भाई। तो अभी इनकी स्थापना नहीं हुई है और इनकी स्थापना जो होगी वो कल गुरुवार वाले दिन होगी। ये देखिए प्यारे से मेरे कन्हैया, मेरे बलराम और सुभद्रा जी आ गई हैं, मेरी प्यारी सी। देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं मेरे कन्हैया। तो ये मैंने इस्कॉन से नहीं लिया है, ये मैंने ऑनलाइन परचेज किया है। और ये देखिए कितने ही सुंदर, बहुत ही फाइन क्वालिटी में हैं। तो इनको जो कैसे मैं स्थापित करती हूँ आपके साथ में ज़रूर शेयर करूँगी जी। आज एक विषय भी आपके साथ लेकर के आई हूँ जो कि बड़ा अहम है, और ये जो चर्चा है ये बहुत पहले ही मैंने आपके साथ में शेयर करने को थी, लेकिन किन्हीं कारणों मैं नहीं कर पाई। लाला का और जो मेरी लाडो का नाम लोग अपनी कार पे लिखवा देते हैं, लोग अपने हाथों में टैटू बनवा देते हैं, लोग अपनी बाइक्स पे लिखवा देते हैं, बाइक के पीछे लिखवा देते हैं, शीशे जहाँ होता है वहाँ लिखवा देते हैं, तो ये कितने हद तक सही होता है और क्या ये हमें लिखवाना चाहिए। तो ये जो लोग गाड़ी पे, कार पे इस तरीके से लाली का नाम लिखवा देते हैं, राधे राधे, श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास, पूरा पूरा मंत्र लिखवा देते हैं, हरे रामा हरे कृष्णा जो महामंत्र है वो लिखवा देते हैं, तो ये कितना सही है। देखिए कभी भी आप ऐसा ये जानिए कि ये समझिए, लाली का जहाँ पे नाम, सिर्फ नाम, जो चित्रपट भी नहीं है, ये चीज़ मैं पहले भी बता चुकी हूँ, यदि चित्रपट भी नहीं है आपके पास में विग्रह, तो लाली की बहुत बहुत बड़ी साक्षात मेरी लाडो की असीमो असीम कृपा है और वो विराजती हैं। अगर चित्रपट भी है ना तो ही बहुत बड़ी बात है, चित्रपट ना होने पे लाडो का मेरे राधा श्री राधा नाम की भी अगर आपने जो साधना पूजन आपने नियम अनुसार कर लिया, तो समझ लीजिए फिर आपको जो विग्रह और चित्रपट की भी सेवा है ना वो भी कुछ नहीं होती है। तो सोचिए आप, आजकल लोग क्या कर रहे हैं, गाड़ी पे नाम लिखवा देते हैं राधा राधा, वो अपनी बाइक पे लिखवा देते हैं, उसके बाद में वो गाड़ी को धुलने के लिए देते हैं, बाइक्स को धुलने के लिए देते हैं, कैसे वो वॉश कर रहे हैं, पानी कहाँ जा रहा है वॉश करने पे, इन सारी चीज़ों का बहुत ध्यान देना होता है। कृपया करके गाड़ी पे देखिए, पहली चीज़ तो ये मेरा ये मेरी जो आपके साथ में मैं अपने भाव शेयर कर रही हूँ, बिल्कुल अचूक भाव शेयर कर रही हूँ, ये आप जो महान परमानंद जी महाराज जी के भी मुख से आप सर्च करेंगे तो आप सुन सकते हो कि उन्होंने भी ये बात बोली है कि भाई अगर गाड़ी पे, कार पे, बाइक पे आप लाली का, लाडो का, लड्डू बाबू का नाम लिखवाते हो, तो वो पानी जब आप जल से धुलते हो गाड़ी, तो वो जो जल होता है वो कहाँ जाता है, नाली में जा रहा है, कहाँ जा रहा है, आप पेंसिल और पेन से भी लिख दोगे ना श्री राधा, तो भी फिर उसमें क्या ही चमत्कार है, मैं क्या कहूँ। तो सोचिए लिख के, तो ये मेरे समझ से तो बिल्कुल नहीं सही है। अगर आप चाहें तो आपको नाम लिखाने से बहुत बहुत अच्छा है कि आप अपनी कार में एक स्वच्छ जगह जहाँ पे डैशबोर्ड होता है, आप ऊपर जहाँ मिरर होती है, आप वहाँ पे लाडो का नाम लिखिए, आप वहाँ पे जो आप गंदे किस हाथों से भी आप ड्राइव कर रहे हो तो भी आप बार बार उसको स्पर्श ना कर सकें, समझ रहे हैं।
तो आप जो डैशबोर्ड के ऊपर जहाँ पे आपका मिरर होता है, आप वहाँ पे लाडो का नाम आप वहाँ पे लगवा सकते हो राधा, जिसको आप ही स्वयं पोछिए, आप अंदर की तरफ से लगवाइए, आप ही साफ कपड़े से, आप ही स्वयं से उनको पवित्र करिए और अच्छे से पोछिए। इससे कोई भी अपवित्रता मेरी लाडो का, आप जरा भी एक नाम का अक्षर ही कितना बड़ा चमत्कार है, मैं क्या ही बोलूं। तो सोचिए, नाम इस तरीके से लोग टैटू बनवा लेते हैं, देखिए उनके भाव है, मैं कुछ भी नहीं कहना चाहती हूं, लेकिन फिर भी लोग टैटू बनवा लेते हैं, तो क्या आप उस हाथ से प्याज लहसुन या कोई ऐसा कार्य नहीं करते हैं, है ना? टैटू बनवाइए तो आप ऐसे उसमें बनवाइए कि जहाँ पे आप इतने बिल्कुल पक्के हो कि हाँ नहीं आप कुछ स्पर्श करोगे, आप कोई ऐसी चीज़ नहीं स्पर्श करोगे, या आप बिल्कुल शुद्धता से रहेंगे। किसी भी महान संत के हाथों में आप कभी भी लाडो का जो नाम का टैटू होता है वो आप नहीं देखोगे जी। तो ये अपने खैर भाव हैं, लेकिन ये जो मैंने बताया है ये बिल्कुल अचूक, ये बिल्कुल मानी हुई चीज़ है कि भाई स्वच्छता का एक बहुत बड़ी बात है, लाडो का मेरी नाम ही बहुत बड़ी बात है। तो इस तरीके से ध्यान रखिए, जैसे बहुत सारे लोग गाड़ी के पीछे मिरर पे लिखवा देते हैं श्रीकुंद बिहारी श्री हरिदास बिहारी लाला का पूरा नाम लिखवा देते हैं, तो भाई तो आप खुद सोचिए कि जब आप गाड़ी अपनी धुलवाने के लिए दे रहे हो, कैसे डिटर्जेंट पाउडर का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो कैसे धुल रहे हैं, वो चढ़ भी रहे हैं गाड़ी के ऊपर कैसे, तो ये चीज़ तो नहीं होना चाहिए किसी भी हालत में। इस चीज़ों का ध्यान बिल्कुल अवश्य रखिए जी। और देखिए, ये मेरे भाव हैं जो मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ, चीज़ों का ध्यान दीजिएगा। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने दूसरे व्लॉग में बहुत जल्दी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे आने वाले मेरे लाला लाली के वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुँच जाए, तुरंत पहुँच जाए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने दूसरे व्लॉग में बहुत जल्दी। हरी बोलो, हरी हरी बोलो, राधे राधे जी, हरी बोल।